हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुजराती चेस चैनल गुजराती चेस जोन में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं टूर्नामेंट के कुछ रूल्स और ओपनिंग प्रिंसिपल। तो चेस टूर्नामेंट जो है उसमें जब भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है तो सबसे पहले उसका सर्कुलर आपको मिलता है कहीं से भी। सर्कुलर चेस के कोई ग्रुप में या किसी फ्रेंड्स या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह कहीं भी अवेलेबल होता है। तो ये सर्कुलर में डिटेल्स होती है कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चेस रजिस्ट्रेशन के बाद जब टूर्नामेंट की डेट होती है तो उसमें टाइमिंग लिखा होता है, उस टाइम से पहले रिपोर्टिंग करवाना होता है आपका। वहां जाके आपका नाम चेक करवाना होता है। वो रिपोर्टिंग होने के बाद सारे प्लेयर्स मोर देन 100 हो या मोर देन 50 हो, जितने भी प्लेयर्स हो उनको मिला के एक टूर्नामेंट का पैरिंग लिस्ट बनता है। पैरिंग लिस्ट में आप ब्लैक से खेलने वाले हो या व्हाइट से खेलने वाला हो और आपके सामने कौन सा प्लेयर फर्स्ट राउंड खेलने वाला है और कौन से टेबल के आप ऊपर आपको खेलना है, ये सारी डिटेल पैरिंग में होती है। और वो देखने के बाद आपको कंपटीशन हॉल में जाना है ठीक राइट टाइम, जहां पे राउंड का टाइम लिखा है उससे 5 मिनट पहले जाके आपको अपने टेबल चूज करके बैठ जाना है। जिस टेबल पे आपका राउंड है उसी टेबल पे बैठना है और जो कलर में आप खेलने वाले हो वही कलर लेके आपको बैठना है। लोकल टूर्नामेंट्स में कई बार चेस क्लॉक या चेस अवेलेबल नहीं होता, वो आपको लेके जाना होता है। तो चेस क्लॉक कंपलसरी नहीं होता लेकिन चेस सेट ज्यादातर लोकल टूर्नामेंट्स में कंपलसरी होता है जो लेके जाना होता है। चेस सेट भी आपको इंटरनेशनल साइज वाला ही ले जाना होगा ताकि अच्छे से आप गेम खेल सको। दूसरी बात, स्टेट लेवल या नेशनल की टूर्नामेंट है तो उसमें चेस सेट या चेस क्लॉक कुछ भी ले जाना नहीं है। वहां पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है वही आपको ये सब प्रोवाइड करता है। अब जब राउंड स्टार्ट का ऑर्डर आता है, मतलब आर्बिटर अनाउंस करता है कि स्टार्ट योर राउंड, तभी आपको पहला मूव करना है और गेम स्टार्ट करनी है। दोनों के बीच में एक चेस क्लॉक होती है जिसमें टाइमर लगा होता है। दोनों को शुरुआत से इक्वल टाइम दिया जाता है। जिसका टाइम अगर गेम खत्म होने से पहले टाइम खत्म हो जाता है तो वो गेम लॉस हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लॉस बाय टाइम। अब टूर्नामेंट के जो रूल्स है उसमें खास ध्यान रखना है, सबसे डिफिकल्ट और डेंजर रूल है टच एंड मूव। टच एंड मूव यानी जिस पीस को आप टच कर लेते हो उसे मूव करना कंपलसरी हो जाता है। हाँ, अगर अपोनेंट का पीस आपके टाइम में आपने टच किया है, जब आपका चांस है और आपने सामने वाले का कोई पीस टच किया है, तो वो किसी भी पीस से अगर मरता है तो उसे मारना कंपलसरी हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये पोजीशन है, ब्लैक ने यहाँ पे कुछ मूव्स किए हैं, यहाँ पे व्हाइट का टर्न है और व्हाइट के टर्न में व्हाइट ने गलती से ब्लैक के किसी पीस को छू लिया, मतलब नाइट को उसे छू लिया है, तो अब उसे कंपलसरी वो पीस मरना होगा। अगर किसी से भी मरता है तो मारना होगा। तो हम देख सकते हैं कि अभी ये नाइट को मैंने छू लिया है और ये मेरे बिशप से मरता है तो मुझे इसे मारना कंपलसरी है। फिर भले ही वो मेरा बिशप मार दे, लेकिन टच एंड मूव के रूल्स के हिसाब से आपको सामने वाले का पीस टच करना कोई अलाउ नहीं है। अगर आपने उसे छू लिया और आपका चांस है तो वो किसी भी पीस से मरता है तो मारना कंपलसरी है। हाँ, अगर वो नहीं मरता है तो कोई बात नहीं है, तो फिर आप अपना दूसरा मूव कर सकते हो। तो ये है टच एंड मूव का रूल। हाँ, अगर आपको कोई पीस ठीक करना है, इधर उधर पड़ा है जैसे कि सेंटर में नहीं है, साइड में है या कहीं, तो उसे ठीक करने के लिए सामने वाले को सुनाई दे ऐसे आपको एडजस्ट बोलना होगा। वो जब आपको एडजस्ट की परमिशन देगा तभी आप अपना पीस ठीक कर सकते हो। बिना एडजस्ट बोले अगर आपने पीस छू लिया तो आपको वो मूव चलाना होगा। खास ध्यान रखो, टच एंड मूव का रूल्स बहुत ही डेंजर है हमारे लिए, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना होता है। टूर्नामेंट में जो दूसरा रूल है कि आप अपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कोई चीज या कोई भी पीसीस की आवाज करके उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते।
टूर्नामेंट में खास ध्यान रखना है कि आपको जब भी पिच टच करना है तो एडजस्ट बोलना पहले जरूरी है, एडजस्ट बोले बिना आपने पिच छू लिया तो चलाना कंपलसरी होगा। चेक बोलना अलाउ नहीं होता, कई लोग लोकल टूर्नामेंट में लोकल गेम में चेक चेक ऐसे आवाज करते रहते हैं, लेकिन चेक बोलना नहीं होता है। उससे दो फायदे हैं, एक तो सामने वाला अलर्ट नहीं रहता तो आपको इलीगल का भी एडवांटेज मिलेगा तो ये, और दूसरा कि आपने चेक बोला तो अपोनेंट डिस्टर्ब होगा, इसीलिए किसी को डिस्टर्ब करना अलाउ नहीं है। तो ये है टूर्नामेंट का बेस्ट रूल। और जब भी आपको कोई भी क्लेम करना है, ड्रॉ का क्लेम करना है, तो आपको अपनी तीसरी मूव 3 टाइम्स रिपीटेशन का अगर ड्रॉ का क्लेम है तो थर्ड मूव करने से पहले आर्बिटर को बुलाना होगा और उन्हें बताना होगा कि सर मैं ये तीसरी मूव कर रहा हूँ और तीसरी बार रिपीट हो रही है, करने से पहले बुलाना होगा, समझ लेना। मूव करने से पहले आर्बिटर को बुलाना होगा कि ये मेरी थर्ड मूव रिपीट हो रही है तो मुझे ड्रॉ चाहिए, तभी आपको ड्रॉ मिल सकती है। थर्ड मूव होने के बाद अगर आपने आर्बिटर को बुलाया तो वो आपका क्लेम मानेगा नहीं। और उसके लिए एक और भी रूल है कि आपको 3 टाइम्स रिपीटेशन आर्बिटर को बताना है तो आपकी पूरी गेम लिखी हुई होनी चाहिए, मतलब सारे मूव्स दोनों के व्हाइट और ब्लैक के आपके स्कोर शीट में लिखे हुए होने चाहिए। तो ये भी एक कॉम्पिटिशन रूल है। जीरो टोलरेंस का रूल बहुत सारे कॉम्पिटिशन में होता है, मतलब जब भी टून स्टार्ट का ऑर्डर आए और आपका अपोनेंट या फिर आप जो भी टेबल के ऊपर नथिंग बैठा है तो उसे लॉस दे दिया जाता है, मतलब जीरो टॉलरेंस, स्टार्ट का ऑर्डर आने पर दोनों प्लेयर टेबल के ऊपर होने चाहिए, अगर नहीं है कोई भी एक और स्टार्ट हो गया है तो वो गेम तुरंत ही लॉस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा कि कोई भी टूर्नामेंट नेशनल की हो उसमें ज्यादातर जीरो टॉलरेंस का रूल होता है, वो लोग पहले से अनाउंस कर देते हैं। वॉक ओवर टाइम पहले अनाउंस होता है। तो वॉक ओवर टाइम क्या है कि हर एक कॉम्पिटिशन में आर्बिटर आपको पहले से अनाउंस कर देते हैं कि इस टूर्नामेंट में सभी राउंड में 15 मिनट्स या 30 मिनट्स या 10 मिनट्स का वॉक ओवर रखा गया है। ये वॉक ओवर का मतलब है कि 10 मिनट्स का वॉक ओवर अगर है और आप या आपका अपोनेंट 10 मिनट्स के अंदर, गेम स्टार्ट होने के बाद 10 मिनट्स के अंदर वो नहीं आ सकते टेबल पे तो वो लॉस हो जाएंगे, इसलिए वॉक ओवर से भी आप हार सकते हो। तो ये भी एक कंपटीशन का रूल है। तब हम देखने जा रहे हैं ओपनिंग प्रिंसिपल। मैं आज आपको ओपनिंग प्रिंसिपल भी दिखा रहा हूँ। ओपनिंग प्रिंसिपल मतलब अच्छी गेम खेलने के ओपनिंग के रूल्स। सबसे पहले आपका रूल नंबर 1, सेंटर कंट्रोल। चेस की ओपनिंग में सेंटर कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। सेंटर यानी d4, d4, d5 और e5, ये इसका आपका कंट्रोल होना चाहिए। फिर दूसरा जो रूल है, बेसिक रूल, डू माइनर पीसेस डेवलप। माइनर यानी बिशप और नाइट, ये दोनों माइनर पीसेस है, उसे जल्दी से जल्दी डेवलप करो यानी गेम में सेंटर में लाओ, उसे प्ले करो। जो थर्ड बेसिक प्रिंसिपल है, डू कैसलिंग अर्ली एज पॉसिबल। कैसलिंग आपके किंग की सेफ्टी के लिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ये भी एक अच्छा रूल है सेंटर कंट्रोल के लिए और अपने गेम की सेफ्टी के लिए। उसके बाद जो आता है रूल नंबर 5, फोर्थ नंबर, जिसमें डू नॉट डेवलप योर क्वीन इनटू अर्ली, मतलब क्वीन को जल्दी से जल्दी बाहर नहीं खेलना चाहिए, क्वीन को मिडल गेम में ही आप बाहर लाओगे तो ही अच्छी रहेगी गेम। रूल नंबर 5 है, डू नॉट प्ले योर पीस ट्वाइस इन ओपनिंग, मतलब स्टार्टिंग में आपको कोई भी पीस को दो बार नहीं चलाना है, ये रूल नंबर 5 है। नाइट को एक बार बाहर निकाल दिया, फिर दूसरी ओपनिंग की मूव में नाइट, उसी नाइट को नहीं चलाना चाहिए, वरना हमारी मूव वेस्ट होती है, दूसरे पीसेस डेवलप नहीं होते हैं। फिर रूल नंबर 6, एक पीस को आप दो बार चलाओगे तो आपका मूव वेस्ट होगा, और एक मूव वेस्ट होने के बाद जब दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर खेलते हैं तो लास्ट में पता चलता है कि कोई एक प्लेयर एक मूव से पीछे रह गया, उसीलिए वो गेम लॉस हो गया। तो ये मेन 5 रूल है, और छठा जो रूल है, 6th रूल, ऑल पीसेस शुड बी ऑन ओपन फाइल एंड ऑल पीसेस शुड बी कनेक्टेड, मतलब सपोर्टेड होने चाहिए सारे पीसेस, और ओपन फाइल मतलब जल्दी से जल्दी हम खेल सके ऐसे होने चाहिए। तो एक अच्छी गेम खेलने के लिए इतने जो आप
प्रिंसिपल, मतलब इतने रूल आप फॉलो करोगे तो आपकी गेम बहुत ही बेहतर होगी। हम रूल को डीपली देख लेते हैं। पहला रूल सेंटर कंट्रोल, तो सेंटर कंट्रोल के लिए हमें पॉन चलाना चाहिए किंग वाला या फिर क्वीन वाला, जिससे हम सेंटर पे पॉन से कंट्रोल कर सके। दूसरा रूल है माइनर पीसेस डेवलप, तो माइनर पीसेस यानी बिशप और नाइट, हम नाइट को बाहर निकालते हैं, अपोनेंट बाय नाइट पीस खेलता है और बिशप को बाहर निकाल दिया, ये हमारा माइनर पीसेस डेवलप है। सामने वाले ने नाइट निकाला, इसे अटैक किया, हम नाइट से सपोर्ट करेंगे, पॉन चला के उसने व्हाइट बिशप ओपन किया, हम भी अपना बिशप ओपन करेंगे, वो बिशप को डेवलप कर रहा है, हम कैसलिंग कर लेंगे। तो ये है थर्ड रूल, डू कैसल अर्ली एज पॉसिबल। ब्लैक ने भी कैसल कर लिया। फोर्थ रूल है डू नॉट डेवलप योर क्वीन इन टू अर्ली, तो क्वीन को जल्दी बाहर नहीं निकालना चाहिए, सारे माइनर पीसेस डेवलप करो, कैसलिंग करो, उसके बाद मिडल गेम के बाद में जब अच्छी तरह जरूरत है तभी क्वीन को बाहर निकालो, क्योंकि अभी व्हाइट का बिशप अंदर है, ब्लैक का भी बिशप अंदर है, उसे भी डेवलप करना जरूरी है, उसके बाद हम क्वीन को खेलेंगे। तो ये है फोर्थ रूल। फिर सारे पीसेस ओपन फाइल में, मतलब देखिए अभी हमारा बिशप भी ओपन फाइल में है, रुक भी प्ले कर सकता है, सारे पीसेस चला सकते हैं, ऐसी पोजीशन में है और कनेक्टेड भी है, कोई भी पीस अनसपोर्टेड नहीं है, सबको एक दूसरे का सपोर्ट है, तो सारे पीसेस सपोर्ट में होने चाहिए और एक ना एक पीस को हम दो बार नहीं चलेंगे, ये भी रूल का एक हम फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों अच्छी गेम खेलने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे खेलना है, कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो रुक वाला पॉन चलाते हैं स्टार्टिंग में, तो ये गलत मूव है, और कई लोग नाइट को साइड स्क्वायर में चलाते हैं, तो साइड स्क्वायर में कभी भी नाइट नहीं चलाना चाहिए, नाइट को सेंटर में ही चलाना चाहिए, F3, C3, F6 और C6 में ही, तो ये नाइट के लिए बेस्ट जगह होती है। देखिए मैं आपको एक गेम दिखाता हूँ जहाँ पे व्हाइट ने गलती कर दी, पहली मूव F3 कर दी, किंग वाला डायगोनल स्टार्टिंग में कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ध्यान रखो, और ब्लैक ने खेल दिया E5 और व्हाइट ने खेल दिया G4 और ब्लैक ने यहाँ QH4 से चेकमेट कर दी। वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट गेम है ये, सिर्फ दो मूव में ब्लैक ने व्हाइट की चेकमेट कर दी, तो ऐसे फुलिस मेट नहीं हो जाएगी, खास ध्यान रखो, और अच्छी गेम, आई होप अच्छी गेम खेलोगे, इसके बाद आप मेरे ओपनिंग प्रिंसिपल सुनने के बाद आप कोई भी गलती नहीं करोगे, और हम जल्दी मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय गुजरात, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले।